हेलो गाइज, वेलकम बैक इन स्मार्ट बाई सिमलैंड सीजन 5 एपिसोड 19 हिडन डिटेल्स पार्ट 1। तो गाइज, हिडन डिटेल से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो गाइज, आजकल जो है मेरे वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज आ रहे हैं, तो आप जो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, तो शायद यूट्यूब व्यूज ला दे। तो चलिए बढ़ते हैं हिडन डिटेल नंबर 1 की ओर। तो गाइज, हिडन डिटेल नंबर 1 का क्लिप देख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हिडन डिटेल इसमें क्या है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बता देना। तो क्लिप को देख लो पहले। आपकी मिट्टी राइट साइड है, इधर मुंह के सामने होगा लाला हवा में अटका हुआ है। और आप ये नजारा मैं क्यों नहीं देख सकता यार? आप मेरी वीडियो में देख रहे नजारे को अभी देखो जो मैं। तो गाइज, हिडन डिटेल यही था, तो जिसको भी पता चल गया वो कमेंट कर देना। तो आप लोग सोच रहे हैं, मतलब जिसको पता होगा वो नहीं सोच रहा होगा, पर जिसको नहीं पता होगा वो सोच रहा होगा कि मतलब ये क्या है हिडन डिटेल, इसमें क्या है हिडन डिटेल। तो गाइज, इस दूसरे क्लिप को देखो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हिडन डिटेल क्या है। मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे। पर भाई, इससे पहले तो तू हिल रहा, ओ मतलब तू यहाँ पे टाइम के साथ तू स्टॉप भी हो सकता, तू हिल भी सकता है। यही तो बात है भाई। हेलो मेरे बेटे, देख पीछे, जब यहाँ पे टाइम रुकता है तो तू एक जगह पे रुक जाएगा, लेकिन मेरा दोस्त जो कि एंटिटी है वो नहीं रुकता, समझा ना? तू बच्चा है हमारे सामने, तेरा कुत्ता भी का चल, अब मुझे पूरी। तो गाइस, होप कर रहा हूँ कि सबको पता चल गया होगा, तो जिसको भी पता चल गया तो कमेंट कर देना। और मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बंदे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, तो उनके लिए फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। तो गाइस, सीन ये है कि यस्मार्टीपाई ने जिस तरीके से मतलब होगालाला को कैप्चर किया है, मतलब टाइम स्टॉप करके, वो कैसे किया, क्योंकि एंटिटी को जो टाइम स्टॉप नहीं हो सकता उनके लिए, मतलब वो उनको टाइम स्टॉप से कंट्रोल नहीं कर सकता, स्टॉप नहीं कर सकता, तो वो कैसे हुआ? क्योंकि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा होगा उनके कि टाइम स्टॉप करके एंटिटी को कैप्चर नहीं किया जा सकता, मतलब एंटिटी को स्टॉप नहीं किया जा सकता टाइम से, मतलब स्टॉपर से। तो यही था हिडन डिटेल। तो बढ़ते हैं हिडन डिटेल नंबर 2 की ओर। तो गाइस, हिडन डिटेल नंबर 2 से पहले आप इस क्लिप को देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि हिडन डिटेल क्या है। नहीं पता चला तो मैं बता दूंगा। तो चलो क्लिप की ओर बढ़ते हैं। तुम लोगों को ऐसे वॉइड में चल के तो ना अजीब जैसा लग रहा है मेरे को। माय डिस्पार्टी रुको, अजीब आगे नहीं, अजीब पीछे देखो, पीछे क्या है? आखिरी बार देख लो जमीन को यार, आखिरी बार देख रहे हैं मेबी। ओके गाइस, तो जिसने भी हिडन डिटेल नोटिस किया है वो कमेंट कर देना। मुझे लगता नहीं कि किसी ने भी नोटिस किया होगा, तो मैं बता देता हूँ हिडन डिटेल। पर उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कैसा लगा वीडियो कमेंट कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं हिडन डिटेल की ओर। तो गाइस, हिडन डिटेल इसमें यह है कि होगलू मतलब वहाँ पर नहीं था, तो होगलू कहाँ गया मुझे नहीं पता, तो मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता उसके बारे में। मतलब जो हिडन डिटेल था उसको मैंने बता दिया, और कुछ उसके बारे में मुझे पता नहीं, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। तो चलिए बढ़ते हैं हिडन डिटेल नंबर 3 की ओर। तो गाइस, हिडन डिटेल नंबर 3 आज के वीडियो का सबसे बड़ा हिडन डिटेल है, तो आप इस क्लिप को देख लो पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हिडन डिटेल क्या है। और जिसको नहीं पता चला उसको मैं बता देता हूँ। तो गाइस, मुझे लगता नहीं कि किसी को नहीं पता चला, क्योंकि मतलब हिमलैंड्स के वीडियो में भी सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखा देता हूँ। तो गाइस, कमेंट्स पढ़ के सारे बंदों को पता चल गया होगा, मुझे लगता नहीं कि कोई बंदा ऐसा होगा जिसको पता नहीं चला होगा, तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो गाइस, हिडन डिटेल ये था कि यस्मार्टीपाई का जो पहला स्किन था, मतलब पुराना स्किन था, वो उन्होंने वापस पहन लिया, मतलब कैसे आया उनके पास। तो यही था सीन। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।